रांची के डोरंडा में मनोकामना पूर्ण करने वाला एक वृक्ष है और इस वृक्ष के बारे कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब ये वृक्ष जो है वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी और पूरे भारत में ये पेड़ों की जो संख्या है मात्र 9 है और 9 पेड़ों में 4 पेड़ रांची में हुआ करते थे और इस वृक्ष का नाम है कल्पतरु वृक्ष। इसे ईश्वरीय वृक्ष भी कहा जाता है और मनोकामना को लेकर जब यहाँ लोग पूजा करते हैं तो मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। और इस वक्त रांची के टुरंडा कॉलेज के पास अब मात्र 3 पेड़ बचे हैं और इसे सरकार ने दुर्लभ पेड़ों के रूप में घोषित किया है। पहले यहाँ पे वन विभाग का एक बड़ा बैनर भी होता था लेकिन वो बैनर गायब है, लेकिन वन विभाग के तरफ से अब इस पेड़ों में घेराबंदी की गई है और जो लोग अगल बगल के जो लोग हैं तमाम लोग इस पेड़ के बारे जानते हैं और इस पेड़ का महत्व जो है काफ़ी लोग काफ़ी वर्षों से देखते आ रहे हैं। और इस पेड़ के बारे कहा जाता है इसकी आयु जो है अभी वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 280 साल पुराना ये पेड़ है और अंग्रेज़ों के द्वारा रांची लाया गया था, लगाया गया था और 4 पेड़ में मात्र 3 पेड़ बचे हैं। एक पेड़ यहाँ है, एक पेड़ वहाँ है और आप आगे देखेंगे तो एक पेड़ जो कल्पतरु वृक्ष है वहाँ पर है। तो ये इसे ईश्वरीय वृक्ष भी कहा जाता है और मनोकामना पूर्ण होने वाला पेड़ भी कहा जाता है और यही वजह है जो लोग जानते हैं इस पेड़ के बारे में तो इस पेड़ की पूजा भी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में अब मात्र 8 पेड़ हैं जिसमें रांची में 4 पेड़ बचे हैं, लेकिन कुछ साल पहले बारिश हुई तो एक पेड़ गिर गया था और जिसे बचाया नहीं जा सका, लेकिन वन विभाग के तरफ से इस पेड़ को लेकर राजभवन में उसके कुछ टहनियों को लगाया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में हम देखेंगे तो इस पेड़ की जो संख्या है रांची में मात्र 3 है और ये मनोकामना वृक्ष के तौर पे जाना जाता है और इसे बचाने के लिए, इसे और सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग को और प्रयास करने की ज़रूरत है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन राजेश तिर्की के साथ अंजनी कुमार, रांची।